ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम Oh,
Thank you.
अब की बात बख्श बंदे को अब की
Thank you.
चले अपने मन पवन समाया
परिवार रिश्तेदार संबंधी मित्र दोस्त गुरु दरबार में चला जाए, रखाए हुए पाठ की समाप्ति करवाई गई। उपरंत आप सारे गुरुद्वारा साहब विखे गुरु महाराज की हजूरी में हाजिर होए, गुरबाणी कीर्तन श्रवण दिता है। 15 मिनट का समापन गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करने की कृपालता करो। बहुत अदब नाल निम्रता सहित दोवे हथ जोग सारिआं नूं बेनती करदा, बेनती प्रवान करो जी। फतेह गुणगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी। गुरु साहब के पवित्र बचना दिन से चढ़े फिर आत्मे रैन सबाई जाए, एक गुरु रामदास जी का शब्द है। श्री राग विच गुरुदेव ने शब्द उचारे है। दिन चढ़ता है, कुछ घंटे बतीत होंगे ने, रात दोपहर होता है। दोपहर शाम विच बदलती है और शाम रात बदलती है। सतगुरु कहते ने जिंदगी का समा घट गया, आम घटे उम्र घट गई, नर ना बुझे पर मनोख ने इस गल को समझा नहीं। नित मूसा लाग टुपाए, मूसा चूहे कहते ये जरा समान है, ये चूहे के समान है जोड़ा सा जिंदगी रूपी रस्सी टुकता जा रहा है। जिंदगी छोटी होती जा रही, उम्र का समा किसी का वध नहीं रहा, घटता जा रहा। राती काल घटे दिन काल, रात बतीत हुई जिंदगी का समा घटिया, दिन बतीत होया जिंदगी का समा घटिया। एक ध्यान करना, आमदन बढ़ सकती है, परिवार बढ़ता है, पदवी भी बनती है, पर उम्र किसी की भी नहीं बनती, उम्र छोटी होती जा रही। औद घट है, दिन रह आ रहा है, औद घट है, औद नाम उमरता है, रह आ रहे नाम रात का। अब दिन रात जो जीवन विचों प्रतीत होंदे जाते हैं, उम्र घटती जा रही। उपदेश देंदे ने महाराज गुरवर्धन देव जी, मन गुर मेल काज सवारा। हे मेरे मन गुरु को मिलके अपने जीवन का कार्य सवार लै। ये पता लगे गुरबाणी पढ़ के कि मेरी जिंदगी का कार्य की है, मैं की सवारना। कई ने यही सोच लिया कि कोठे सवारना, कापड़ काठ रकाया राम, घर गज कीते फागे पाग। असो सारी जिंदगी कोठे बनाते सजाते लगे रहते। किसी ने मिथने भी धन कट्ठा करना, लखां जोड़े करोड़ां जोड़े बस इसे ध्यान में ही लगे। पर मैं बेनती करना पहला निशाना सही मिथ कि मेरा कार्य की है। भाई प्राप्त मानुख देह उरिया गो आत्मा परमात्मा विच अभेद करना, ज्यों जन्मे जल आए खटाना त्यों ज्योति संग बनेगा। बाणी कंठ नहीं करेगा उन्ना चिर नाम कीर्तन सुन विच कोई आनंद है ना कथा सुन विच आनंद है। तुम आप ते पढ़े कुछ ही ना उन्हें बाणी याद की है। अज ये अमृत वेले गुरसिख बाणी पढ़ते जा, अज का सिख अमृत वेले सुता रहता है।
ਸਿੱਖ ਬਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਕ ਹੈ ਉਮਰ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਚੱਲ ਉਮਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸਕਣ ਅਸੀਸਰੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੀ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਚਰਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਜੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਫਲ ਜਨਮ ਇਸਕਾ ਜਗ ਪੀਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਉ ਜਾਪੇ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵੱਖਰ ਸੱਚ ਲੈ ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਬਰ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓਗੇ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਿਆ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਣਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਰਾਹ ਆਕੇ ਬਸਨ ਸੋਏ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਦਿਨ ਸਨੈ ਆਰੇ
मन गुर मिल कार्य सभा है। मेरे मन गुरु नू मिल के अपना कार्य सभा गुरु जी से आवाजा मारते ने मेरे को मैं तेन परमेश्वर के घर की कथा कहानी सुना गुरु की कही गल अणसुनी गल किन्ने गुरसिख ने जो रोज सत्संग में जाते हैं बैठ के कीर्तन सुनते हैं विचार सुनते हैं आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे हर की कथा कुछ सुन गुरु की रचना तो विचारवान बन अपने जन्म को सफल बना। हजारों श्रद्धालुओं ने बड़े ध्यान नाल गुरु का उपदेश सुनिया होवै तेरे नाते कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समा उनका ध्यान पूर वाल कभी भी नहीं जाता। संगत घरों घर चलिए गई मेला समाप्त हो गया बाबा महादेव गुरु अर्जन देव महाराज के वे भरा जानते सन उतो रब रूप सन गुरु अर्जन परता कार तेरी जिंदगी सिर्फ दो दिन बाकी रहेगी सिर्फ दो दिन जीवन के बाकी रहे मन ते मनता सी महाराज की बाणी से भी जो इन्होंने बचन कहता बचन तो सत है। हाथ जोड़ के बाबे महादेव ने कहा महाराज सतगुरु कह लगे दस कल जो मेरे प्राण निकल मेरे शरीर विचों सतगुरु कह लगे इसे तरह हो महादेव की जो जिंदगी का समा नेड़े आया गुरु अर्जन देव महाराज आप कोल आ गया बाबे महादेव का सिर जिंदगी दे आखरी सुहास लेंदे हाँ बाबा महादेव ने गुरु अर्जन देव की गोद में अपने प्राण दिया। इत परमेश्वर जानता है किसी की जिंदगी का कितना समय गुरु कहे नानक सुन संतो शब्द रोके सत्या नाम मेरा याद आरू वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दुख दवस कीते काल कंट गुमारिया सुर कर्म पाया बल जन का सिनाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख होगा तित कर अनहद वाजे अनंत मोहन पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगरे विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सचे वाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते तुम्हारे देख के फल कीता
तना प्यारे हम सत्यारे हम की कमाई ना ध्यान कर बोलो जी जिना सिकर सुनिया लखे सीत दी बंद बंद कटाई ना दुहाइया आर्या नाल चराई के चरखड़िया ते चढ़ी उबलदिया देगा विच बैठे गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतिया कर्म नहीं हारिया सिक्की ते संत रसा नाल नभाई ਤਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸੰਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ दर्शन इशरान चौकियां झंडे होगी जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी महाराज आप जी के चरणा चरणास बेनती है आप जी के दर दर के सेवक सरदार जसवीर सिंह जी अपने सेवकों जितनी सवासा की पूंजी बख्शिश की इस संसार की यात्रा करते हुए आप जी के दर हुक्म अनुसार जिहा श्री लिखिया तिहा हुक्म कमावे कले राम नानका सदे उठी जाए दे वाक अनुसार पिछले दुनिया काल सराहना करके तेरा दी आत्मक शांति ली आप जी दी पावन जमीन से दिवान सजे है अमृत मई बाणी का कीर्तन होया है आप दे पावन वचना दी विचार होई अनंत सती श्री पौड़ियां दे जाती जांदी है कि गुरु का लंगर परिवार वालों तैयार है आप सारे लोग की शकन दी कृपा करना मैं इस स्थान वालों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रधान सरदार जी सिंह जी सेठी तना वालों पिछली रूह मुझे शरदा के फुल भेट करता हाँ परिवार नाल हमदर्दी प्रकट करता हाँ यह परिवार इस स्थान से हाजरी भरता इस स्थान नाल जुड़िया हुआ है और कुछ हमदर्दी भरे पत्र आए ने मॉडल टाउन शॉपकीपर एसोसीएशन मॉडल टाउन मार्केट वालों रोहन सैगल जो इस संस्था के प्रधान ने उन्होंने वालों दोनों के समुचे साथियों वालों परिवार नाल हमदर्दी प्रकट की जाती है तो विछड़ी रूप के भले भी गुरु सरनाम अरदास की जाती है पंजाब टेंट डीलरस वेलफेयर एसोसीएशन जिन्हों का हैडक्वार्टर लुधियाने है उन्होंने वालों भी एक चिट्ठी परिवार के नाल हमदर्दी भरी पहुंची है उतों के प्रधान उन्होंने मैंबर वालों परिवार वालों उन्होंने भी धन्यवाद किया जाता है जलंधर टेंट डीलर एसोसीएशन के प्रधान वालों के समुचे साथियों वालों भी परिवार हमदर्दी प्रकट की जाती है और फिर सारे बेनती की जाती जिन्हें भी आप सारे विछड़ी रूप के बलेरी अरदास पहुँचे हो तो सारे का फिर परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद कड़ा प्रशादी देख प्राप्त करके पिछले पास लंगर हॉल वर पहुँच के सारे ने लंगर छकन की कृपा करना जी इस बेनती प्रवान करना जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह सरदार जसवीर सिंह जी के सपुत्र गुरु घर वालों सरूपा भेट किया जाना है वह आन गुरु घर वालों सरूपे की दात प्राप्त कर जी बोले शहु निहार